इस आईए और इस नाटक से Water in the cloud, precipitate. The water in the cloud, precipitate all day long. शुक्रगुजार हूँ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार करना द एस एच ओ करना एंड द सिविल सोसाइटी एंड द भोपाल मंडल प्रेसिडेंट हाजी तस्लीम साहब एंड स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स हु कोऑपरेटेड फॉर दिस प्रोग्राम एंड वी सक्सेसफुली मेक इट ए ग्रेट सक्सेस स्पेशली द मीडिया फ्रेटर्निटी आर ऑलवेज कवरिंग अस वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेटर्निटी एज वेल एंड वी होप दैट ये प्रोग्राम करने का क्या मकसद है हमारा हमेशा हमारा एक सोशल काज होता है और सोशल इवेंट्स के रिलेटेड होता है सेंट एन ओमनीप्रेजेंट पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिज मैसेंजर एज यू नो कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये था सोशल इवेंट्स के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो था पहला हमें जल है टू कल है सेव वाटर सेव लाइफ पानी जिंदगी है तो ये प्रोग्राम हमने आज स्कूल से लेकर मैन सुमो स्टैंड टंगदार तक किया इसमें हमारे साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी लाइक एस डी एम साहब वर्दी एस डी एम साहब के अलावा हमारे पास तहसीलदार करना याद कादरी साहब था इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट हेडेड बाई दिस मिस्टर मुदल्लिर साहब एस एच ओ करना जो थी ये हमारे साथ थे और इस प्रोग्राम का मकसद यही था ये एक स्टूडेंट्स लेड कॉन्फ्रेंस है स्टूडेंट्स लेड मूवमेंट ये बच्चों का एक मूवमेंट था इसमें हमने एक स्किट किया जो मैंस सुमो स्टैंड टंगदार में किया और सुमो स्टैंड टंगदार में हमने इस चीज़ की अहमियत और अफादियत मीन्स कि पानी की कितनी ज़रूरत है हमें और पानी का किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए
है ना, अगर हम पानी का सही इस्तेमाल करें तब जाके हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छा आने वाला कल दे सकते हैं। ठीक है, हमें पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए वाइजली, ताकि हम अपने आने वाले कल को एक के लिए भी पानी बचा सकें। और पानी का सही इस्तेमाल एक सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम उसको अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास ये जो वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिया है, नवाजा है इस वसाइल से, ये फिर हमारे पास बहुत कम टाइम होगा जब हमारे पास ये रिसोर्स नहीं रहेगा। और दूसरा इवेंट हमारा था लूथा पब्लिक पार्क में, जो था यूटीजिंग के मुतल। यूटीजिंग एक सोशल इवल है जो जिस तरह के आजकल की सोसाइटी में पाए जाते हैं कि वल्गर कमेंट्स करना लड़कियों को, या पेबल्स फेंकना, या कुछ ऐसे वल्गर बातें बोलना, तो उसके रिलेटेड था कि हमें अपनी सोसाइटी को किस तरह से हम बचा सकेंगे इस सोशल इवल से। और हमें पूरे डिपार्टमेंट ने कॉपरेट किया इस चीज़ को कंडक्ट करने में, और इसमें हमारे स्कूल के कुछ बच्चियों ने प्ले कार्ड्स लाए थे और उसमें उन्होंने ये बात इस बात का रोशनी डाली कि हमें हम किस तरह से इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी को किस तरह से चाहिए कि हम इन चीज़ों से अपनी सोसाइटी को पाक रखें। देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम बच्चों में इस जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों में ऑटोमेटिकली हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और अफादत को उजागर करते हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों से अपनी सोसाइटी को बचा सकेंगे। जैसे कि कुरान पाक का भी हदीस है जिसपे पूरा ये दिया गया है कि हम किस तरह से जो ये है क्या बोल रहे हैं इसको, जो यूटीजिंग है, इससे हम अपनी सोसाइटी को कैसे बचा सकते हैं।